जो लोग नाखून खाने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि शौक के तौर पे खाते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, चाहे वो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, नाखून इतने ज़्यादा खा लेते हैं कि चटे तक दिखने लगती हैं। एक तो उन लोगों की ये आदत कैसे छूटे, और दूसरी चीज़, एक कान को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कभी कुछ चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये जो तरह तरह की चीज़ें कान को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो क्या ये घातक नहीं हो सकती? और कान को साफ रखना क्यों जरूरी है? देखिए, नाखून खाने की तो वाकई आदत, मतलब खाने की नहीं होती, वो खाते नहीं है हाँ बल्कि ऐसे काटते हाँ रहते जी हैं। जी 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 तो ऐसे मैंने भी बहुत लोग देखे हैं। बड़ी मुश्किल से वो, मैंने अपनी पोती की आदत छुड़ा रहा हूँ। वो उसका इतनी जी छोटी जी बच्ची, 5 साल की बच्ची, जी ऐसे करती है, तो उसे डरा करके इसमें कीटाणु होते हैं और बीमार पड़ जाओगी। और ये भी है कि नाखूनों में ही कीटाणु होते हैं, इसलिए हाथ धोने की भी सिफारिश करते हैं कि खाने से पहले हाथ धो लें, कई बार हाथ धोएं। इसमें जो गंदगी कीटाणु के रूप में होती है, वो अक्सर हमें इन्फेक्शन कर देती है, बीमार डाल देती है, बुखार आ जाते हैं, तो ये एक हैबिट हो जाती है। और बड़ों बड़ों में भी होती है। घूम फिर कर हर शख्स को एक अलग टाइप की क्रिया करने की आदत होती है। कोई बात करते में ऐसे खुजाता रहता है, ऐसे कोई नाखून काटता रहता है, तो कोई उंगलियां ऐसे करता रहता है। बहुत सारी आदत है, ये तो आदत है, तो ये आसानी से छूट भी सकती है। लेकिन कान के मैल के बारे में, जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, ये कान का मैल कभी भी निकालना शुरू कर देते हैं। दरअसल इसका तरीका ये है, जो विदेशियों में मैंने देखा कि जब भी वो स्नान करके आते हैं, तो सबसे पहले बड़ से अपना कान ऐसे उस खुजाते हैं, तो जो भी पानी हमारे नहाते वक्त कान में जाता है, साबुन मिक्स पानी, वो जाके खुश्क हो जाता है और वही कान का मैल बनता है। कान के अंदर से कोई मैल रिलीज नहीं होता। तो बेहतर तरीका यह है कि जब भी आप स्नान करके आएँ, तब बड से आप अपना कान की जो पानी है वो सुखा सकते हैं। बड डालेंगे तो रुई उसको सूख लेती है, सोख लेती है। और ये जो बड बनी बनाई आती है, ये अच्छी नहीं होती, ये कान का पानी सोखती नहीं। तो हम गांव वाले तो ऐसा है कि वो सीख पे रुई ऐसा लपेटते हैं, तो वो थोड़ी सी ऊपर को ऐसे फैली भी होती है, जिसमें पानी सूखने की सलाहियत होती है। और ये जो बनी बनाई बाढ़ आती है, ये पानी सोखती नहीं है, तो इनसे तो खुजाना भी ऐसा ही है जैसे ना के बराबर। तो नहाने के बाद आप साफ करें तो बेहतर होगा। जी हकीम साहब, जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कान में जो मैल है उसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा भी हो जाता है कि कान में मवाद बन जाती है, या फिर कान का भी ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, या फिर और बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती हैं? अक्सर ये होता है कि कान का मैल हमारे कान की स्किन से चिपक जाता है और कभी कान के पर्दे तक भी पहुंच जाता है, तो फिर वो तरह तरह की आवाज़ें सी आने लगती हैं। जी, तो तब आदमी सोचता है, अरे मेरे कान में वो है। तो कुछ लोग तेल डाल लेते हैं, एक दो कतरा तेल डाल के, और कान ऐसे कर लेते हैं, तो वो वहाँ तक तेल पहुँच जाता है। और फिर रुई लगा लेते हैं यहाँ पर, तो वो खूब नरम हो जाता है जब वो मैल, तो फिर बड से निकाले तो आसानी से निकल जाता है। सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वाले सलाम। हेलो। हाँ, मेरे दो सवाल हैं। पहला बताएं। तो सवाल, हाँ, पहला एक सवाल है, नमक, जैतून और चुलबुले का गोंद एक साथ ले सकते हैं क्या पानी में रात में सोते? ठीक है। हाँ, और एक सवाल है सर मेरा, मैं यक्षिणी मंगाई क्या, मैं ले सकती हूँ क्या सर? वो क्या नुकसान किस चीज के लिए होती है? मंगवाया है? मैं तकलीफ सीने में हो रही थी, उसके लिए मंगाई हूँ, मैं बात कर रही हूँ। क्या यक्षिणी ले सकती हूँ क्या सर? नमक जैतून ही ले सकती हूँ सर, मेरे पास यक्षिणी है सर। वो देखिए, नमक, जैतून और गौंसिया एक साथ ले सकते हैं दिन में 2 वक्त। और अगर एस केयर लें, तो फिर गौंसिया नहीं ले सकते उस वक्त,
जिस वक्त आप एस केयर ले रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि गौन सिया और एस केयर कैप्सूल एक साथ लेना मना है। और नमक जैतून और चिलगोजा क्या एक साथ लिया जा सकता है? हाँ, नमक जैतून और चिलगोजा आप एक साथ ले सकते हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हाँ जी मैडम, मेरे तीन चार सवाल है मैडम। जी बताएं। कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है मैडम, 70 साल के, तो उनको पैरालाइज है, तो वो ना चेयर पे रहते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं, हम लोग टॉयलेट वगैरह भी ऐसे जाते हैं, तो क्या वो जैतून का सिरका और जो आपकी ये लहसुन अदरक वगैरह से क्या वो ठीक हो सकते हैं या वो लाके लेके चल सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है मैडम। और दूसरा सवाल है मैडम कि जैसे डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज होती है मैडम, उनको भी पेशाब की बहुत शिकायत होती है और नहीं है उसको भी होती है, तो उसका क्या रीजन है मैडम? जैसे हकीम जी या किसी को चिलगोजा किसी को अंसी और अश्वगंधा बताते हैं मैडम, क्या एक उम्र के हिसाब से बताते हैं मैडम या ये कोई भी ले सकता है मैडम? और क्या शुगर में मीठा खाया जा सकता है मैडम? क्या चिलगोजा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जिन्हें बार बार यूरिन आता है क्या उनका टेस्ट आपने करवा दिया है? क्या उनको डायबिटीज की समस्या नहीं आई है? डायबिटीज की कोई समस्या नहीं है मैडम। चलिए ठीक है। उम्र कितनी है उनकी? उनके 52 है मैडम। ठीक है। और तीसरा सवाल है मैडम, जो ये टीम जी ने बताया मैडम कि ये, और आपसे मैं एक बार बताया था कि घूमर भी है तो मेरी गुड़िया की कांधे में झड़ जाएगी सर, तो वो झड़ नहीं रही, तो क्या मैं ये जो आप बताती हैं सोडा और ये चूना यूज कर सकती हूँ मेरी गुड़िया के लिए? किस चीज़? और सर एक घर में मैम एक सेकेंड, किस चीज के लिए इस्तेमाल करवा रही हैं आप अपनी गुड़िया को? मैडम उनकी ना घुमड़ी है, कान में ना घुमड़ी से निकल आई है मैडम, तो वो ना क्या चूना और कास्टिक सोडा में यूज कर सकती हूँ? कहाँ पे निकली है? कान के पास। हाँ जी हाँ जी सर। और चौथा सवाल है सर, कोई एक बढ़िया सा काजल मैडम। हाँ जी, मेरी गुड़िया की उम्र 22 साल की है मैडम। ठीक है। और मैडम एक काजल बताने को मुझे अच्छा सा काजल, जैसे लोग पहले घरों में काजल बताते थे ना मैडम, तो एक ये बताएं। और एक क्या बताना है मैम? काजल। ठीक है। और एक मैम और सवाल है मेरा सर, एक बढ़िया सा कोई उपकरण बताए मेरी गुड़िया के लिए, उपकरण घर में कैसे बनाया जाता है? और एक सवाल है मेरा, दीखा आंवला का जो ये नुस्खा है सर, इसको उबालना है या मुझे इसको गर्म मतलब भिगो के रात को रख देना है? बस ये मेरे सवाल है मैम। थैंक यू मैडम। आंवला के नुस्खे को आप भिगो कर इस्तेमाल करें, और अगर उबाल भी देंगे तो भी वही बात है, मकसद है कि वो उसमें पानी शामिल हो जाए और उसकी दवा बाहर आनी चाहिए पानी के ज़रिए, चाहे उबाल के करें या भिगो के करें, बात एक ही है। और शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत यूरिन आता है, और ऐसे कुछ लोग भी जिन्हें यूरिन ज़्यादा भी आता है, तो वो चिलगोजे का इस्तेमाल पूछ रही थी, क्या दोनों कर सकते हैं? अच्छा देखिए, शुगर वाले को तो पेशाब ज़्यादा आता है और ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा आता है, या उम्र ज़्यादा हो तब भी ये परेशानी आने लगती है, तो शुगर वाले को इस्तेमाल करना चाहिए गौन जामुन, तो इसमें ये भी सलाहियत है कि आपको बार बार पेशाब आने से रोकता है और शुगर को कंट्रोल करता है। अगर फिर भी किसी को फ़ायदा नहीं हो तो कई चीज़ें मैं बताता हूँ, किसी को बताता हूँ अलसी, अगर किसी को नुस्खा बनाना है तो अगर किसी को बार बार पेशाब आता है तो दो चुटकी अलसी, दो चुटकी लाजवंती और एक चुटकी गौन चिलगोजा, ये नुस्खा है और ये पेशाब की जाति को रोकता है। अच्छा, जब हम उस हालत में होते हैं जब हमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तब भी हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, तो उसका काम यह है कि जल्दी से आपकी
खून से नमक बाहर कर दे, और जब वो बाहर कर देती है गोली तो वो पेशाब के रूप में बाहर आती है, तो इसलिए भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो मसाने की मजबूती के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और अगर शुगर का मरीज़ है तो वो सिर्फ कौन जामुन लें, चाहे एक एक चुटकी दो बार ले सकते हैं, चाहे तो लाजवंती एक दो दो चुटकी साथ में ले सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अच्छा, बच्ची के जो यहाँ गांठ से आप बता रहे हैं, देखिए अगर वो बाहर को निकली हुई है, जैसे ये होता है हमारे मस्से होते हैं, तो वो ठीक हो सकती है। तो उस पर वो सोडा और चूना लगा दें मिलाकर बराबर बराबर, या मार्केट में भी कुछ ऐसे एसिड आते हैं कि आप उस पर लगा दें तो वो सूख के झड़ जाते हैं जी। काजल, और देखिए काजल तो बहुत मार्केट में बेहिसाब काजल है, लेकिन असल काजल मैं बताता हूँ कि एक पहाड़ है जिसको कोहेतूर कहते हैं, और वो पहाड़ चमकीला पहाड़ होता है, यानी उसका पत्थर काला होता है, और वो मार्केट में मिलता है, काफ़ी चमकीला सा काला एक पत्थर आता है। असल में उससे काजल बनना चाहिए, उसको हम शहद में मिला के बहुत खरल करते हैं, इतना खरल करते हैं, आजकल तो खैर मशीनें आ गई, पहले खरल किया जाता था, तो जितना बारीक कर लो इतना ही अच्छा वो काजल होता है। और वैसे भी खरल कर सकते हैं बगैर शहद के भी, तो चाहे काजल बनाना हो चाहे सुरमा बनाना हो, सुरमा बनाना हो तो बगैर शहद के करते हैं, और काजल बनाना हो तो शहद उसमें डाल देते हैं। और शहद भी अच्छा काजल है, अगर आप वो सलाई से में भिगो के ऐसे लगाएं तो शहद अगर असली है तो वो भी अच्छा काजल कहलाता है। आँखों को साफ करना मुराद है, आँखों को साफ करने के लिए जो मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ उसमें ये भी बताता हूँ कि एक चावल की बराबर और फिटकरी और 100 ग्राम गुलाब जल लेके उसमें ऐसे हिला के मिला लें, ये भी काजल का काम करता है।